आप लोग मांसाहार तो नहीं करते, अंडा मछली मुर्गी? अब देखो आप लोग नहीं खाते मछली मुर्गी अंडा, पर यदि आपने उनके हाथ का खा लिया जो अंडा मुर्गी मांस वाले हैं, तो आपकी बुद्धि भी वो लोग भ्रष्ट कर देंगे कि नहीं? आपकी समाज में ही आप लोग चलो नहीं खाते, लेकिन आपके ही परिवार में आपकी समाज बहुत लोग खाते होंगे। बोलो हाँ, क्यों खाते होंगे? क्योंकि वो लोग उनके संपर्क में आ गए जो खाते थे, तो उनके संपर्क में आए तो जैसे कोरोना वाला कोरोना वाले के संपर्क में आया तो उसे भी कोरोना हो गया, ऐसे मांसाहारी के संपर्क में जो जो आएगा उसको भी मांसाहारी होना पड़ेगा। आप लोग नहीं आए तो बच्चे हैं, आगे आइएगा भी मत ऐसे लोगों के संपर्क में। भाई हम आपसे रिश्ता रखेंगे, हम आपके घर आना जाना रखेंगे, पर खाने पीने में समझौता नहीं। वो खाएंगे, हम आपके घर तब खाएंगे, आपके रोटी आपके घर में तब खाएंगे जब आप सात्विक होंगे, पवित्र होंगे विचारों से। आपके बाप दादों तक कहीं मांस, आपकी रसोई में कभी एक बार भी मांसाहार ना पका हो तब तो वो रसोई शुद्ध है। एक बार भी अंडा तुम्हारी रसोई में बना तो वो रसोई नहीं है, वो राक्षसों का अड्डा है। वहां भगवान थोड़ी भोग लगाएंगे उस रसोई का। कभी जिस रसोई में किसी मुर्गी का गर्भ पका हो वहां भोग भगवान जी थोड़ी लगाएंगे। इसलिए रसोई मंदिर होती है। क्या होती है रसोई? कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि रसोई मंदिर ही होती है? रसोई क्या है? अन्नपूर्णा माँ विराजती है रसोई में। कौन विराजता है? अन्नपूर्णा माँ, माँ है वो, भगवती है वो, इसलिए अन्नम ब्रह्म। वहां रसोई में जाओ तो नहा धोकर पवित्र, बच्चों को भी सिखाओ बेटा नहा के रसोई में जाओ, उसे मंदिर मानो, मंदिर मानो। रसोई को मंदिर की तरह जूठे बर्तन छोड़ना नहीं, गूथा हुआ आटा फ्रिज में रखना नहीं, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देगा। फूटा हुआ बर्तन यूज में आया ना, फूटा, कुछ लोग कटोरी टूटी है चटकी है यूज में आ रही है, गलत है। चटका हुआ बर्तन, गूथा हुआ आटा कि चलो आटा बच गया सवेरे बना लेंगे इसकी रोटी ना, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देता। जिनके यहाँ बासे आटे की रोटी बनती है, जिसके यहाँ बर्तन रात में जूठे पड़ी रहते हैं, रसोई बिल्कुल गंदी पड़ी रहती है, अन्नपूर्णा, वो अन्नपूर्णा मंदिर है। वो मंदिर अशुद्ध हुआ तो वहां से जितनी एनर्जी पॉजिटिविटी एनर्जी है अन्नपूर्णा माँ की कृपा है वो वहां से हट जाएगी। इसलिए बात समझो, बहुत साइंटिफिक बातें हैं। हमारे शास्त्रों पहले क्या होता था, माताएं भोजन बनाने के बाद तुरंत रसोई को गाय के गोबर से चूल्हे को लीपा करती थी। ये दौर किस किसने देखा है पुराना? मैया आपने देखा? पहले कच्ची रसोई होती थी, चूल्हा लकड़ी वाला कंडा। हाँ किया है आपने? हाँ, फिर मैया आप सब जानती हो, गोबर से लीपना, गोबर से लीप कर वो शुद्ध हो गया कल के लिए, है ना? ये सब पवित्रता, ऐसी पवित्रता में रहे हो इसलिए आज तक आप लोगों के विचार पवित्र हैं। गंदगी आती तो विचार गंदे हो जाते, इसलिए आप बचे हैं, अपने बच्चों को भी बचाइएगा हर बुराई से, और आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को बचाइए और आहार विहार की शिक्षा दीजिए, क्या पहनना है, क्या उड़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आजकल समाज वो खा रही है जो नहीं खाने योग्य, किसी के भी हाथ का खाए जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। आदमी उंगली नाक में डाल रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा, वही तुम्हें पानी भर के दे दे रहा, पानी पूरी में लो खाओ, और खा रहा आदमी, पसीना पहुंचता जा रहा है, और वही हाथ डुबा के पानी पूरी में भर के पानी दे रहा, तुम खा रहे हो मस्त। अब तुम्हारी बुद्धि का दिवाला नहीं निकलेगा तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि। जो खाना हो शुद्धि से घर में बनाओ। क्या जो खाना है कहां बनाओ? जोर से घर पे बनाओ। हमारी माताओं को चाहिए कि आप तरह तरह का बनाओ व्यंजन, और बच्चों को इतना बढ़िया घर में ही तृप्त करो कि उन्हें बाहर खाने की जरूरत ना पड़े। आजकल तो मम्मियां भी एडवांस चलो बाहर से बुलवा लेते हैं, इन्हें भी लगता कौन बनाए,
आजकल स्त्रियां इतनी आलसी हो गई हैं कुछ स्त्रियां के भोजन बनाने में उनके दर्द होता है। अब जब तुम भोजे से घर में भोजन नहीं बनता वो घर है कि क्या है? भोजन तो घर पे होना चाहिए, भोजन भजन पर्दे के अंदर। बोलो हाँ।